हेलो अमित, हाउ यू? हेलो वैभव जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच बिल्कुल ठीक. वेलकम टू द मिल्स पेज. यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बराबर आप लोग, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मैंने वर्टिकल कर दिया ताकि वी बोथ आर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. यस यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई थिंक वी हैव अबाउट 20 पीपल, सो शुड वी स्टार्ट? यस, एज यू से, आई मीन एनी विच वेज दिस वीडियो गोना रिकॉर्ड, सो ओके, एवरीवन वुड एबल टू वॉच इट लेटर एज वेल। ग्रेट ग्रेट. सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट बाय टेलिंग अस कि आप स्टॉक ट्रेडिंग में घुसे कैसे? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? स्टॉक मार्केट में घुसे कैसे? अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इन 2004 एक्चुअली ऐसा कहते हैं ना हम लोग कि गॉड एवरी वंस इन अ लाइफ टाइम एटलीस्ट गॉड नॉक्स योर डोर। तो दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 2004 व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय सीए एंड आई वाज हैविंग टी एट कमला नेहरू पार्क। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कमला नेहरू पार्क प्लेस कॉल्ड इन पुणे। बिल्कुल बिल्कुल. वहां पर आई मेट विद अ गाय हु वाज इन 90s, ही वाज पार्टनर ऑफ केतन पारेख। आई थिंक, आई मीन दिस स्टोरी इज नॉट कंफर्म्ड, बट द स्टोरी व्हिच आई हैव बीन टोल्ड इज दैट कि भाई ही वाज अ पार्टनर एंड ही वाज एसोसिएटेड विद केतन, मिस्टर केतन पारेख इन 90s। तो देयर आफ्टर व्हेन जब 90s के क्रैश हुए मार्केट में, देन आई ही कोलैप्स्ड और देन ही वेंट टू यमन एंड वापस से स्टेबिलिटी पाने के लिए इंडिया आए हुए थे। देन आई मेट हिम ओवर ए कप ऑफ टी। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई इफ यू नो एनीबडी हु इज इन स्टॉक मार्केट काइंडली गेट मी कनेक्टेड टू देम। देन आई आई यू नो मैंने उनको अब कार्वी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कार्वी कॉम्ट्रेड, नहीं, कार्वी ये क्या है? कार्वी हाँ, सिक्योरिटीज। तो वो कार्वी कार्वी. यस, सिक्योरिटी, कार्वी. हाँ 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 तो कार्वी सिक्योरिटीज में मेरा एक फ्रेंड था, वो ही वाज ए मैनेजर ओवर देयर। तो आई आस्क हिम टू ज्वाइन कि या आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। देन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अमित व्हाई डोंट यू लर्न विथ मी। तो 2004 टू 2007 मैं उनके साथ एसोसिएटेड था। तो दिस इज हाउ आई केम टू दिस स्टॉक मार्केट। He was at that time he was 58 years old and he was actually very passionate for this market. तो उन्होंने ही सब कुछ सिखाया मुझे कि भाई कैसे क्या होता है, कैसे साइकोलॉजी स्टडी होती है, कैसे नंबर्स को रीड करने हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, कैसे फंडामेंटल्स होते हैं। तो दिस समझा. इज हाउ तो दिस जर्नी स्टार्टेड। आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप शुरुआत से इंट्राडे किए हैं कि पहले लॉन्ग टर्म भी करते थे? नहीं, इंट्राडे नहीं होती है ये ट्रेडिंग एक्चुअली। मैं इस क्वेश्चन का जवाब कुछ दूसरे तरह से देना चाहूंगा। स्टोरी ये ट्रेडिंग इंट्राडे नहीं होती है। सी, जब कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर आता है, सपोज मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा इसको। सपोज एसबीआई बैंक चल रहा है 300 रुपए, 300 रुपीज का प्राइस चल रहा है। तो हम लोगों का सेट एंट्री पॉइंट होता है कि इसको 293 के आसपास इसको लेना है। और जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास वाया मीडिया, वाया टेलीविजन, और देर आर सो मेनी पॉजिटिव न्यूज अबाउट एसबीआई बैंक या फिर बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म हो रहे हैं, तो वो लोग एसबीआई बैंक 300 रुपए में लेना चालू कर देते हैं। लेकिन हम लोगों का सपोज अपन एक इस तरह से समझते हैं कि सपोज एसबीआई बैंक 300 रुपए का भाव चल रहा है रेट मार्केट में और 305 310 रुपए तक का जाने का पोटेंशियल है, लेकिन उसका एक्चुअल एंट्री पॉइंट होता है 293 का। तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं जो इस मोहल्ले पड़ोस की या फिर आसपास के लोगों के सुन के एसबीआई बैंक लेने की कोशिश करते हैं, वो 300 रुपए में एंट्री कर जाते हैं मार्केट में। लेकिन हम लोग उस 300 रुपए के रेट में एंट्री नहीं करते। सपोज आज एक पहला दिन है, चौथे दिन मार्केट में 305 या 310 रुपए का एसबीआई का रेट लगता है। जो नॉर्मल इन्वेस्टर जो फ्रेशर्स रहते हैं वो पहले दिन एंट्री कर जाते हैं 300 रुपए में। लेकिन हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट होता है वो थर्ड डे होता है। सपोज मार्केट में ऐसी कोई बैड सेंटिमेंट्स डेवलप हुए या फिर ग्लोबल मार्केट में कोई करेक्शन आया जिसकी वजह से इंडियन इंडियन मार्केट में भी करेक्शन आ रहे हैं, तो
293 294 का जब रेंज आता है तब हम लोग एंट्री करते हैं थर्ड डे में, और फोर्थ डे में जब मोमेंटम क्रिएट होता है तो 305 रुपए का रेट लग जाता है, 310 रुपए का रेट लग जाता है। तो हमारी एंट्री लेट होती है मार्केट में और एग्जिट फास्ट होती है। लेकिन आप लोग इसको, यानी जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग मार्केट को नहीं समझते हैं, वो लोग इसको ये समझते हैं कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। हम अच्छा लोग भी एंट्री करने के बाद कभी 2 दिन 4 दिन 8 दिन भी वेट करते हैं। जैसे अभी मैंने इंडसइंड बैंक का एक कॉल जनरेट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए कि नाउ द मार्केट इज ट्रेडिंग एट 835 और 840 लेवल, इट इज लाइकली टू टच अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज इन कमिंग डेज और इन फ्यू मंथ्स। तो हम लोग अभी सपोज देर मस्ट बी मेनी इन्वेस्टर हु हैव इन्वेस्टेड इंडसइंड बैंक अराउंड 950 920 900 लेवल, बट वी वेटेड फॉर मेनी मंथ्स, से अबाउट 2 3 मंथ वी वेटेड फॉर दिस लेवल कि 825 830 का लेवल आए तब हम एंट्री करें। अब अगर यहाँ से 900 रुपया मोमेंटम क्रिएट होता है और 2 4 दिनों में भाव लग जाते हैं तो आप लोग इसको इंट्राडे का नाम दे देते हैं। तो ये एक परसेप्शन है समझ गए समझ गए। तो आप अपना एंट्री जी। और एग्जिट टाइम करते हैं, और वो 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है। यस उसका वेटिंग पीरियड, एग्जीक्यूशन पीरियड 1 दिन होगा, बट उसका वेटिंग पीरियड 1 मंथ भी हो सकता है। राइट राइट। लेकिन हाँ, एंट्री लेट करेंगे एग्जिट फास्ट हो जाती है हमारी, समझ गया। तो आप प्री ये डिफाइंड लेवल जैसे होती है। ये आप कॉल जनरेट कैसे करते हैं? जैसे आपने बोला कि 300 का स्टॉक चल रहा है एसबीआई का, तो 293 पे एंट्री करना है, तो वाई 293? वो आपको कहाँ से मालूम पड़ता है? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ए मैन ऑफ ए नंबर एंड आई रीड माई मार्केट विद द साइकोलॉजी। फंडामेंटल टेक्निकल इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर माई सिस्टम, लेकिन मेरा जो मेजर फोकस होता है वो नंबर्स पे और साइकोलॉजी पे मार्केट होता है। आई मीन साइकोलॉजी, आई हैव क्लब्ड ऑल दिस फैक्टर्स, साइकोलॉजी मार्केट, साइकोलॉजी फॉर द मार्केट, नंबर्स एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, इन सबको क्लब करके एक सिस्टम बनाया हुआ है जो सिस्टम हम लोगों को एग्जैक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट बाइंग बाइंग रेंज होती है वो हमको जनरेट करके देता है। तो हम लोग जब तक समझ वो पॉइंट नहीं आता तब तक हम लोग मार्केट में एंट्री नहीं करते हैं। तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि भाई ये टेक्निकल फंडामेंटल साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्लेस मेजर रोल फॉर माई रिसर्च। समझा। तो बट टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो एक तो वो क्या होता है, और सेकंडली कि चार्ट पे वो कुछ पैटर्न बनता है, तो वो काम क्यों करता है रियल लाइफ में? सी आई विल टेल यू, इसको भी मैं अच्छे एग्जाम्पल से क्लब करना चाहूंगा। जैसे कि सपोज एक एलिफेंट, नहीं हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, ऐसे इंडिया में भी वैसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर हम कहते हैं भगवान राम की चरण पादुका बनी हुई है, जहां पर हनुमान जी की चरण पादुका बनी हुई है, जहां डायनासोर्स की पैर के निशान बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जिनके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस समय इंसान उतने बड़े हुए होंगे या फिर यहां से गुजरे होंगे। उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस जो होती है, जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो वो एक फॉर्मेशन डेवलप करते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ यू नो टेक्निकल पैटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी प्रिडिक्ट कि भाई मार्केट इज लाइकली टू मूव इन दिस डायरेक्शन, अलॉन्ग विद द फंडामेंटल सपोर्ट एंड एंड दिस साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड ऑब्वियसली विद द डेटा 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 विच इज इजिली अवेलेबल फॉर एवरी वन इन द एनएसईस वेबसाइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो टेक्निकल इज लाइक, जब जैसे आप दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया कि जैसे कोई बड़ा आदमी या फिर कोई हाथी चल के अगर किसी जगह से जाएगा तो हम वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि यहाँ से कोई हाथी चल के गया बिकॉज ऑफ दोज बिग बिग फुट पैटर्न, राइट। उसी तरह से दूसरे आप लोग यू मस्ट हैव कंसल्ट विद सम एस्ट्रोलॉजर वंस अपॉन ए टाइम इन लाइफ, एवरीवन कंसल्ट। तो वो जो हमारे कुंडलियों में जो ग्रहों की स्थिति होती है उनको देखकर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में होने की और ये आपके योग बन रहे हैं। तो उसी तरह से टेक्निकल होता है जिसमें हमारी बहुत सारी लाइंस होती हैं। मैं तो खैर काफी कम लाइंस यूज करता हूँ, जैसे मूविंग एवरेजेस हो गई, जैसे बोलिंगर बैंड हो गया, जैसे पैराबोलिक सार हो गया, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, ये बहुत सारी इंडिकेटर्स होते हैं जिसको एक चार्ट में प्लॉट किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी जो जो उनकी मूवमेंट होती है जो लाइंस की, उसके बेस पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स।
तो समझ दिस इज गया। हाउ द टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट टू प्रिडिक्ट द मार्केट। तो आप जैसे बोल रहे हैं, इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली, कि अगर कोई बड़े म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, या कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने बाय किया है, या रिटेल में ही बहुत सारा वॉल्यूम मिल गया स्टॉक को, तो वो चीज का छाप छोड़ जाता है मार्केट के ये लाइंस यस पे, और वो ही यस लाइंस आप इसको बीट करते हो। आई हैव अ वेरी रिसेंट एग्जांपल अबाउट दिस। आपने जो म्यूचुअल फंड वगैरह की बात की, जो मार्केट अभी 2020 में क्रैश किया था, कोरोना काल जो सडन जो उस समय इनिशिएट हुआ था, जब मार्केट 12,400 के लेवल पे चल रही थी, अचानक से 7,800 7,700 के लेवल पे आई थी, तब LIC ने एंट्री करी थी 8,500 के आसपास। इवन दो ऐसा पहली बार हुआ था कि LIC की एंट्री करने के बाद मार्केट वापस से टूटी थी, बिकॉज दैट टाइम द बियर्स वर वेरी एग्रेसिव कि नहीं बॉस माल बेचना ही है, बाजार में अभी कुछ भी हो सकता है, बहुत अनसर्टेनिटी है बाजार में। तो जब LIC ने जब 8,500, देखिए आजकल पहले का जमाना अलग था कि पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी कि कब कौन एंट्री कर रहा है कब। आज की डिजिटल लाइफ में हमको सब पता, इंडिविजुअल्स को भी अपनी शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करना होता है। तो वैसे ही LIC ने जब LIC के जब फंड उसमें इन्वॉल्व हुए थे, जब 8,500 के आसपास इंडेक्स चल रहा था, उसके बाद वो 7,700 7,500 कुछ लेवल का इसने लो पोस्ट किया, और उसके बाद जब 8,500 क्रॉस किया, तो आप उस टाइम के मेरे वीडियोस देख सकते हैं, सिंस दैट टाइम आई स्टार्टेड बिकमिंग बुलिश इन द मार्केट, क्योंकि वहां पर इतने बड़े बड़े फॉर्म का इन्वेस्टमेंट हो चुका था, फंड्स का इन्वेस्टमेंट हो चुका था। ऑब्वियसली अगर आप भी हजारों करोड़ों रुपए कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, सपोज करके आपने 100 रुपए चीज में कोई 100 रुपए के वैल्यू में कोई चीज बाय करी है, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो 95 रुपए हो जाए या 90 रुपए हो जाए, तभी आप 100 रुपए में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ तो फिर LIC जैसे फंड ने इन्वेस्ट किया था, तो ये सब चीजें टेक्निकल्स में दिखती हैं। समझ गया। पर मेरे को एक चीज बताइए कि अभी वो वॉरेन बुफे और सब इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के दिग्गज लोग बोलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, और उन्होंने पैसा भी बनाया है, और ऐसे मार्केट में उनकी वर्शिप होती है, राकेश झुनझुनवाला हो गया, डीमार्ट का ओनर हो गया, तो आपका स्ट्रेटेजी उनके स्ट्रेटेजी से बहुत अलग है, तो ऐसा है कि वो गलत है आप सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, क्या हो क्या रहा है? नहीं मैं अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। दोनों की बात करता हूं मैं। मिस्टर वॉरेन बफे जो हैं, वॉरेन बफे की स्टोरी को मैं थोड़ा जल्दी निपटाऊंगा, क्योंकि मैं वॉरेन बफे के पर्सनल लाइफ को इतना नहीं जानता हूं, और इतनी ज्यादा स्टोरीज भी मैंने उनके बारे में नहीं सुनी है, सिर्फ पढ़ा है और कुछ इंटरव्यूज देखे हैं। वॉरेन बफे भी जो थे एट द ए आई मीन व्हेन ही वाज 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, आप सुनाए, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो जब 6 7 ईयर्स की एज के थे, तब उनके आस अपन आई मीन तो उनके आसपास में कुछ जनरल स्टोर्स हुआ करते थे, जहां पर पेप्सी कोको कोला इस टाइप का चीजें बिकता था। तो वहां पर देखते थे वो लोग, यार यंगस्टर्स लोग ये कोक पेप्सी वगैरह बहुत पीते हैं। तब उनके दिमाग में आइडिया आया, बीइंग ए किड, वो सोचे कि मैं भी ऐसा कुछ आई मीन ये इतना बिकता है, तो मैं इसको देखूं कि लोग कितना पी रहे हैं इसको। तो वो जाके पेप्सी और कोको कोला के दोनों के बॉटल के जो ढक्कन होते थे उनको इकट्ठा करने लगे, और 15 दिन बाद उसकी काउंटिंग करते थे कि यार ये कोको कोला लोग ज्यादा पी रहे हैं। तो उनको जो पॉकेट मनी मिलती थी, वो पॉकेट मनी से वो कोको कोला लेते थे, और फिर वापस से उसको खरीदते थे होलसेल प्राइस में। कोशिश पता नहीं वो कैसे उसको मैनेजमेंट करते थे, शायद वो $1 में खरीदते हो और कुछ सेंट्स का मुनाफा बना के उसको बेचते हो। तो वो भी उस टाइम फ्रेम में, जब वो इस व्हेन यू आई मीन अपन बात कर रहे हैं 90 ईयर्स बैक की, तो वो टाइम पर वो कोको कोला खरीद के लोगों को बेचा करते थे। तो वो भी दैट वाज ए पार्ट ऑफ यू नो ट्रेडिंग ओनली। धीरे 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 उन लोगों उन्होंने वेल्थ क्रिएट की, और धीरे धीरे फिर वो वॉरेन बफे बने। अब मैं बात करता हूँ मिस्टर झुंझुनवाला की। झुंझुनवाला जी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रहा है? ही वाज इन्वॉल्व ही स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन द मार्केट्स अराउंड 1985। आज भी उनके स्टेटमेंट आप देखिएगा कि वो 80% अपनी वेल्थ को, यानी इनिशियल डेज नहीं अभी की बात कर रहा हूँ, 80% 90% वेल्थ को इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रखते हैं, और 10% वेल्थ को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो 100% वेल्थ को अपनी इन्वेस्टेड करके रखे हुए हैं। और दूसरी बात, जब उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे,
तब उनके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग से ही स्टार्ट हुए थे और आज भी वो ट्रेडिंग करते चले आ रहे हैं। उनका कंसेप्ट ये था कि ट्रेडिंग से कैपिटल जनरेट करो और कैपिटल को इन्वेस्ट करो। आज की डेट में अपन ने यूट्यूब चैनल चालू किया हुआ है और ये इनिशियल डेज हैं। जब झुंझुनवाला जी स्टार्ट किए थे तब उनके भी इनिशियल डेज इसी तरह हुए होंगे जिस तरह के आज हमारे हैं। तो आज हम लोग लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। ट्रेडिंग सिखाने के बाद जो वेल्थ क्रिएट करेंगे हम उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो आज जैसे कोई बेबी जब आता है इस दुनिया में तो पहले वो क्रॉल करता है, फिर उसके बाद वो चलता है, फिर उसके बाद वो दौड़ता है, फिर उसके बाद वो साइकिलिंग करता है, तो उसके बाद बाइक चलाता है, उसके बाद वो और भी चीजें सीखता है। तो उसी तरह हम लोग अपने इनिशियल डेज में अपने इंडिया में जो लोगों का निगेटिविटी है मार्केट को लेके कि उनको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, एक्चुअली वो आते हैं 50,000 लाख रुपए लेके आते हैं और सोचते हैं मैं इसको 5 लाख 10 लाख रुपए कर लूंगा। बॉस उस साइकोलॉजी से तो मार्केट में काम होता ही नहीं है। तो तो अगर किसी के ट्रेडिंग पास अभी हम लोग उस फर्स्ट स्टेज में है कि हम लोग पहले ट्रेडिंग समझा सके लोगों को कि प्रॉपरली ट्रेडिंग कैसे होती है। हेलो। हाँ बोलिए, अभी आवाज आ रही है। हाँ तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है कि हम लोग पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करवाएंगे, ट्रेडिंग सिखाएंगे लोगों को कैसे मनी मैनेजमेंट होता है, कैसे एलोकेशन करना चाहिए, कैसे इंडेक्स वोलेटिलिटी यानी जो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है उसको कैसे कैप्चर करना है और कैसे वेल्थ क्रिएट करनी है, कैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट देना है अपनी कैपिटल को, और फिर जब आप कैपिटल क्रिएट करते हैं उसको वेल्थ में कैसे क्रिएट करना है। ये इंटेलिसिस का एक्चुअली मोटो है आगे का। तो अगर कोई बंदा उतरता है मार्केट में और उसके पास लाख रुपए है, आप उसको क्या रेशियो प्रोपोर्शन में बोलेंगे कि उसके पास 90% ट्रेडिंग में होना चाहिए, 10% वेल्थ में होना चाहिए, या क्या रेशियो प्रोपोर्शन से उतरना चाहिए? नो 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 नॉट दिस वे। वी एक्चुअली जैसे कि आप अगर मेरी परफॉर्मेंसशिप देखेंगे, आई विल क्लब दिस विद द परफॉर्मेंसशिप ऑफ यू नो व्हाट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ। अभी हम लोगों ने 12-15 लाख रुपए की कैपिटल से यूट्यूब चैनल चालू किया था। तो चलिए आपको इसी 100 रुपए से ही समझाते हैं तो यू नो व्यूअर्स को समझने में आसान होगा। सपोज आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि 60-65 रुपीज आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करिए, यानी कि 65%, और आपका जो बाकी का 45-40% बचता है, 30% उसमें से आप 10% कमोडिटीज में इन्वेस्ट करिए, 10% करेंसीज में इन्वेस्ट करिए, 15% के आसपास आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। ऐसे करके आप अपनी बास्केट बनाइए और फिर वोलेटिलिटी इंडेक्स को कैपिटलाइज करने की कोशिश करिए और कैपिटल क्रिएट करिए। तो जैसे मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो 65 रुपया हो गया, तो वो 65 रुपया में ग्रोथ स्टॉक जो लेके भूलने वाले हैं उतना, और आपका जो ट्रेडिंग में है वो क्या ब्रेकअप होना चाहिए? आई कुड नॉट हियर यू, यू आर नॉट ऑडिबल। मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो 100 रुपीज में से आपने 65 रुपीज बोला स्टॉक्स में डाल दो, यस तो वो 65 जो स्टॉक्स में मैं डालूंगा, तो उसमें से ट्रेडिंग में कितना डालूं एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टॉक्स में कितना डालूं? नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टॉक में के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक बार कैपिटल क्रिएट कर लो और उतने उतने से ही मार्केट में काम करो जितने का आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो। तो इनिशियली जैसे अपन ने 60%, लेट अस अज्यूम कि 60 रुपीज अपन ने स्टॉक्स के लिए रखा हुआ है, तो उन उसके लिए भी आप एक बास्केट बना लो कि भाई आपके पास 40 स्टॉक की लिस्ट है, 100 स्टॉक की लिस्ट है, 200 स्टॉक की लिस्ट है, यानी इंडेक्स निफ्टी 200 स्टॉक्स हो गए, निफ्टी 50 स्टॉक्स हो गए। तो आप इसको रिफाइन कर लो पहले और उसके बाद आप उनमें से 4 कॉल्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो दिन में, जो हम लोग जिस अप्रोच में चल रहे हैं कि आपको एक दिन पहले ही 4 कॉल्स इनिशिएट कर दिए जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। अगर उसमें से एक कॉल एक्टिवेट होता है, 2 कॉल एक्टिवेट होते हैं, प्री डिफाइंड होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी प्री डिफाइंड। ऐसा नहीं कि मार्केट में आए स्क्रीन को देख के मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपके लेवल्स निकाले हुए आपको लग रहा है कि ये 4 स्टॉक्स चल सकते हैं, ये 4 स्टॉक्स को मेरे को ये भाव में लेना है या फिर ये भाव में बेचना है, अगर वो लेवल्स आते हैं तो आप अपने कैपिटल का एक कॉल अगर एक्टिवेट होता है तो आप अपने कैपिटल का एक पोर्शन यानी 15 रुपए उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता, जब तक टारगेट नहीं होता, तब तक बने रहो, चाहे वो एक दिन ले, चाहे 4 दिन ले, चाहे 1 महीना ले।
समझ गया। तो अभी जो फर्स्ट टाइम कर रहा है ट्रेडिंग स्टॉक्स का, तो उसको आप क्या रिस्क, लो रिस्क स्ट्रेटेजी क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये समझना है कि आप ऐसा बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों ने भी कहा है कि भाई आपकी कैपिटल का 2% से ज्यादा डेली नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी दिन अगर आप लॉस वाले डे में हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड इसी तरह से क्रिएट करो। आप मेरे यूट्यूब में भी कॉल्स देखेंगे जो हम लोग लाइव कॉल जनरेट करते हैं, उसमें भी हम लोग कभी सपोज SBI को अगर अपने 290 में या 300 में रिकमेंड किया बाय करने के लिए, तो उसका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 2% का रहेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं रहेगा। इस चीज पे थोड़ा लाइट दीजिए ना, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्योंकि आपका कॉल्स ट्रैकर पे मोटा मोटी आप हम राइट रहे हैं ओनली 51-52% ऑफ द टाइम, पर आपका पैसा रिटर्न तो बहुत बना है, पैसा मोर हाँ, देन डबल हो रिटर्न गया है। स्ट्रेच बहुत अच्छा बना है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल स्टार्ट स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन में ही कहा कि जितना वेटिंग पीरियड ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा मुनाफा जल्दी मिलेगा। तो जब आप कोई चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि आपको सपोज रिलायंस इंडस्ट्री 2000 रुपए चल रहा है और आपको 1800 रुपए में लेना है, 1800 रुपए में लेना है, तो ऑब्वियसली जब आप 1800 रुपए में लेने का मन बनाए हुए हैं तो उसकी वहां पर इंटेंसिक वैल्यू होगी, या फिर उस टाइम फ्रेम का बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट होगा। जब आप 1800 रुपए, 1820 रुपए में एंट्री कर रहे हैं, तब वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए बाजार में। आपको ये मैजिकल फिगर मालूम होने चाहिए कि अगर 1800 रुपए के नीचे ट्रेड कराता है तो हो सकता है मोमेंटम क्रिएट करके 1600 रुपए भी आ जाए। तो बेटर 2% का स्टॉप लॉस लेके चलो कि वहां पर आपको 2% ऑफ द कैपिटल स्टॉप लॉस लेके चलना है और वहां पर एग्जिट कर जाना है। मार्केट और नीचे मिलता है तो आपके पास नीचे के भी लेवल्स होने चाहिए कि दिस वुड बी माय अनदर अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज द मार्केट, कि 1600 रुपए में बाय करूंगा, 1700 रुपए में बाय करूंगा, एग्जिट विद वन टाइम पेन, स्मॉल स्टॉप लॉस। क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हैं कोई, और बिना सपोज आप एक सिग्नल पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और आपके पास उस गाड़ी में ब्रेक है, तो आप उस सिग्नल लगने पर आप रुक जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर ब्रेक ही नहीं है तो आप लोग अपने आप को भी परेशान करेंगे और सिग्नल पे खड़े हुए और भी दूसरे लोगों को परेशान करेंगे और बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड हो जाएंगे। उसी तरह हम जब स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते तो हमारी फैमिली भी इंजर्ड होती है। समझा। तो जैसे अगर मेरा स्टॉप लॉस 2% का है, तो मेरा अपसाइड कितना टके का होना चाहिए फॉर यू टू कंसिडर एज गुड रिस्क रिवॉर्ड? दैट एक्चुअली हम लोगों का जो स्टाइल है कि हम 1:1:2, 1:3 और 1:5 और 1:20 पे भी हम लोग काम कर जाते हैं। तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट अभी बुलिश मार्केट है या फिर मार्केट बेरिश मार्केट है या फिर मार्केट साइडवेज है। मार्केट अगर बुलिश है तो यू कैन कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। सपोज आपने 300 रुपए में कोई चीज ली है, 310 रुपए हो जाती है, तो आपका बेस प्राइस 300 रुपए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे कर लीजिए। जब आप देख रहे हैं बुल मार्केट है, 320, 325, 340 भी मोमेंट क्रिएट हो सकता है, तो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस विद द फिक्स्ड, आई मीन विद इंक्रीजिंग योर टारगेट्स। और जब आप देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है, तब तो सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्केट में पैसा कमाने का। आप किसी भी रेट में लो, आपको आपके भाव वापस आ जाते हैं। जो अभी रिसेंट मार्केट चल रही है, आप कोई भी भाव में मान लो, आपको 4-8 दिन के अंदर आपका भाव आ जाएगा। बस शॉर्ट सेलर्स अलाउड नहीं अपने इंडिया में, जो हमारा मार्केट अभी मैच्योर नहीं हुआ है कि शॉर्ट सेल अलाउड नहीं। आप इक्विटीज को सेल करके, अनलाइक US मार्केट, आप वहां पर इक्विटीज को सेल करके होल्ड कर सकते हैं, अपने इंडिया में नहीं कर सकते हैं। समझा। तो इसमें मेरे को एक चीज बताइए, आप जब मेरे से पहले बार मिले थे तो आपने दो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बोला था, जीरो रिस्क का, कवर्ड कॉल जी और कैश बैक फुट का, तो ये समझाएंगे? ये मेरे HNI ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। हाँ, याद आया मुझे, मैंने आपसे मिला था तब मैंने आपसे स्ट्रेटेजी शेयर करी थी सब। चलिए, इसको भी मैं रिलायंस के एग्जांपल से ही सेट करना चाहूंगा। आई नो रिलायंस इज वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक। तो चलिए, सपोज रिलायंस, आप हम लोग देखते हैं रिलायंस का बेस्ट वैल्यू बाय एज पर करंट मार्केट सिनेरियो विद ग्लोबल क्लूज एंड एवरीथिंग। हम लोग एक एंट्री लेवल डिसाइड करते हैं कि रिलायंस इज नॉट लाइकली टू ट्रेड बिलो 2000 रुपीज। राइट, भाव चल रहा है 2050 रुपए, जिस दिन भी 2000 रुपए आएगा उस, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक आप लोगों के साथ एक हर्डल होती है, इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ओनली फॉर HNIs, बिकॉज
उसका लॉ उसके साथ हमको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी काम करना होता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना है तो उसका लॉट साइज फिक्स होता है। जैसे अभी रिलायंस का लॉट साइज है 500 शेयर्स, तो आपको 500 शेयर्स में कम से कम डिलीवरी लेनी पड़ेगी, राइट? तो आप जब 500 शेयर बाय करते हैं और 2,000 रुपए का उसका आज का करंट मार्केट प्राइस है, तो दैट एक्चुअली यू आर इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज, वन कॉल वन डिलीवरी। जब आप 10 लाख रुपए आपने डिसाइड कर लिया कि 2,000 रुपए के रेट पे मेरे को रिलायंस बाय करना है, और इट इज लाइकली टू मूव टुवर्ड्स 2,500 ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर, लेकिन ये हमको नहीं पता होता कि ये मोमेंटम कब क्रिएट होगा, और एक्चुअली ये कोई जज भी नहीं कर सकते कि एक्चुअली विच डे इट इज लाइकली टू शूट अप। फॉर दैट वी हैव टू बी इन्वेस्टेड। तो हम लोगों ने एक प्राइस रेंज डिसाइड कर लिया, आज 2,050 का भाव चल रहा है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको 2,000 के भाव में एंट्री करनी है। आपने 2,000 सब जिस दिन भी 2,000 रुपए का रेट आया, आपने 500 शेयर बाय कर लिए, अब ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये 1,900 रुपए ऐसे टाइम पर हम लोगों की जरूरत पड़ती है एक्चुअली, कि किस लेवल पे ब्रेकआउट है, किस लेवल पे वैल्यू बाइंग है। तो सपोज आपने ये भी मन बना के रखा है कि 1,900 रुपए के नीचे नहीं लगता है, ऑब्वियसली तभी आप बाय करेंगे 2,000 रुपए के रेट पे, कि ये 1,950 या 1,900 रुपए के नीचे नहीं जाता दिख रहा है, तब आप बाय करेंगे 2,000 पे। वरना अगर आपको मालूम होगा कि 1,900 के नीचे भी जा सकता है, तो आप 2,000 पे बाय नहीं करेंगे। तो लेट अस ठीक अस्यूम कि हम लोगों ने ये माइंड मेकअप करके रखा है कि 1,900 रुपए के नीचे ये शेयर का प्राइस नहीं जाएगा, तो आप 2,000 रुपए के रेट पे आप 500 शेयर बाय करते हैं, और साथ ही साथ जब आपको जब आपने अपना माइंड मेकअप करके रखा है और यू आर वेरी श्योर कि 1,900 रुपए के नीचे नहीं जाएगा, तो 1,900 रुपए का कॉल ऑप्शन होता है। ये कॉल ऑप्शन की थ्योरी को बहुत लंबा जाएगा अगर मैं इसको डिस्कस करना चालू करूंगा तो, और अगर इफ यू कैन यू नो एक्सप्लेन इट इन ए शॉर्ट वे, देन आई वुड बी यू नो वेरी ग्रेटफुल कि आप कॉल तो ऑप्शन को डिफाइन कर दें। मैं ऐसे बोलूंगा कि आप समझे, आपके पास ऑलरेडी रिलायंस का 500 शेयर है और आपको लगता है कि आप 2,000 का रेट है आज और 2,050 में आपको अच्छा एग्जिट मिल रहा है, तो आप 2,050 का कॉल लिख सकते हैं। तो आपको 2,050 रेट टच होगा तो आपको वो चीज को बेचना ही पड़ेगा, बट आपको उस चीज के लिए एक सर्टन फीस मिल जाएगा। तो और अगर 2,050 नहीं टच हुआ तो फीस आपके जेब में रह जाएगा और शेयर भी आपके जेब में रह जाएगा, तो ये बिना घाटा का सौदा हो गया। बराबर है। अब मैं तो इसको हाँ बोलिए। हाँ, नहीं आप बोलिए, कैश कवर्ड पुट भी बोल दीजिए। हाँ, तो अभी मैं क्या सोचता हूँ कि सपोज हमने माइंड मेकअप करके रखा है कि 1,900 रुपए के नीचे नहीं जाएगा। अभी आप लास्ट 7-8 मंथ्स का रिलायंस का परफॉर्मेंस देख लीजिए, 1,900 और 2,200 रुपए के बीच में चल रहा है 7 मंथ से। तो अगर इस लास्ट 7 मंथ्स में किसी ने 1,900 रुपए का पुट ऑप्शन बेच के रखा होगा, तो उसमें यूजुअली हमको 20-30 रुपए का प्रीमियम मिल जाता है, 20 रुपए इंटू 500, क्योंकि 500 का लॉट साइज है, तो आपके 10,000 रुपए तो पक्के हो गए। अगर ये रिलायंस का भाव 1,980 भी रहता है, 1,960 भी रहता है, 1,910 तक भी रहता है, तब भी आप इस मैकेनिज्म को हर महीने एक्सरसाइज करके 20-20 रुपए का प्रीमियम बना सकते हैं। तो एक टाइम आएगा जब रिलायंस में ब्रेकआउट आएगा, कुछ गुड स्टोरीज बाहर आएंगी, जब रिलायंस का प्राइस शूट अप करेगा, लेकिन वो शूट अप करने के बीच में अगर आपने 5-6 महीना निकाल दिया 20-20 रुपए प्रीमियम को डाइजेस्ट करके, यानी हमारी ब्रोकरों की लैंग्वेज में या फिर हमारी इंडस्ट्री की लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी, हाँ, तो हमारे ब्रोकरों की अब हम ब्रोकर्स की लैंग्वेज में और इन्वेस्टर और मार्केट की लैंग्वेज में हम प्रीमियम खाना बोलते हैं। तो अगर आपने ये 20-20 रुपए का प्रीमियम अगले 6 महीने तक एडजस्ट कर लिया अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका इवेंचुअली 2,000 रुपए का रिलायंस का प्राइस 1,900 रुपए हो जाता है। आपने इन्वेस्ट किया था 2,000 रुपए, लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट हो गया 1,900 रुपए। अगर इसी एक्सरसाइज को आप 2-5 साल तक करते हैं, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास जो रिलायंस की डिलीवरी रहे वो जीरो कॉस्ट की रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जैसे कोई लोग रहते हैं, जैसे उनका डे में जॉब रहता है और उनको डे वाइज आपके कॉल्स को बहुत बारकाई से हर दिन
फॉलो करना पड़ता है टेलीग्राम पे भी सब जगह, तो अगर मेरे को वीकली या मंथली कुछ ऑप्शन है क्या मेरे को करने के लिए इसमें, जहाँ पे मेरे को हमेशा स्क्रीन के सामने नहीं रहना पड़े? नहीं देखिए, जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया है वो ये सब चीजों को सोच के ही बनाया हुआ है कि सपोज कल का मार्केट जो है, मंडे का जो मार्केट रहेगा, तो हम लोग एक दिन पहले ही अपने 4 स्टॉक्स जो हमारी तरफ से होते हैं वो आप लोगों को एक दिन पहले ही बता दिए जाते हैं। और आजकल हमारा डिजिटल, हम लोग डिजिटली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतना इक्विप्ड हो चुके हैं, इतना टेक्नोलॉजी रिफॉर्म कर गई है कि आप एक दिन पहले भी आपको जो एग्जीक्यूशन करना है उसकी बिट्स प्लेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, जब भी आपको टाइम मिलता है। तो हम लोग जो चार हम लोग मोमेंटम कॉल्स नहीं देते कि अचानक से मार्केट को देखकर ये बाय कर लो वो सेल कर दो जैसे दूसरे ब्रोकर्स लोग करते हैं, या फिर जैसा आज तक इस इंडस्ट्री में होता आया है। एक दिन पहले आप लोगों को 4 स्टॉक्स बता दिए जाते हैं, आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन खोल के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी एक दिन ऑब्वियसली एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले शीट शेयर करते हैं, तो कभी भी रात में सोने के 5 मिनट पहले उस बिट्स को प्लेस कर दिए, टारगेट लगा दिए, स्टॉप लॉस लगा दिए, या फिर आपका जो ब्रोकर है अगर वो फुल टाइम ब्रोकर है, नॉट लाइक डिस्काउंटेड ब्रोकर जो आप लोगों को फोन पे सर्विस नहीं देते हैं, अगर आपका फुल टाइम ब्रोकर है तो वहां पर भी डीलिंग डेस्क होती है, वहां पर भी आप फोन करके वो स्टॉक्स को बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये रेट में स्टॉक ले लेना, इतना स्टॉप लॉस मेंटेन करना, इतना टारगेट मेंटेन करना, और एंड ऑफ द डे आप उसको रिकॉर्डेड लाइन में कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट लॉस का स्टेटस है। तो आई डोंट थिंक सो कि आजकल जब इतना डिजिटली स्ट्रांग हो चुके हैं तो आपको मार्केट में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए जब भी कोई कॉल एक्टिवेट होता है, जब भी कोई स्टॉप लॉस होता है, जब भी कोई टारगेट अचीव होता है, तो हमारी तरफ से हमारे सारे एसोसिएटेड लोगों को, चाहे वो पब्लिक टेलीग्राम में जुड़े हों या फिर व्हाट्सएप में जुड़े हों, कोई भी माध्यम से जुड़े हों, उन लोगों को नोटिफिकेशन करा जाता है कि इसका स्टॉप लॉस हो चुका है, इसका टारगेट हो चुका है, इसका इसका ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस जो भी करना है। तो वो मैसेज नोटिफिकेशन को पढ़ के 2 मिनट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन खोल के अपने सौदों को एग्जीक्यूट कर सकता है। और थोड़ा अगर कमाना है मार्केट से, अपने लाइफ साइकिल, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तो थोड़ा तो पेन लेना ही पड़ेगा। देर इज नो गेन विदाउट पेन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इसमें अभी मेरे को एक चीज बोलिए कि आप अभी मंडे के लिए एक कॉल दे दीजिए टू ऑल द लिसनर्स। ओनली ओनली फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? एक शॉर्ट एक लॉन्ग दे दीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। 8.30, 8.40 के आसपास रेट चल रहा है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 8.50 हो गया था लास्ट फ्राइडे को वो, लेकिन 8.30, 8.40 के रेंज में बाय कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बड़ा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 700 के नीचे ट्रेड कराएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1200, 1500 के पोटेंशियल टारगेट नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस को 4650, 4700 के आसपास लेना है, 4500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 4800, 4800, 4900 तक के टारगेट एक्सपेक्ट इमीडिएटली कर सकते हैं। बढ़िया है। और जैसे जो व्यूअर्स हैं, आपका जो यूनिक मॉडल है और आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं आप बताएंगे? अभी तो हम लोगों अभी अभी अब वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी 550 डेज बैक, नाउ वी आर एवरीवेयर। फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, देयर आर मोर और लेस थाउजेंड्स ऑफ यू नो पीपल हु हैव ज्वाइंड दिस टेलीग्राम। तो अगर डेली टाइमली सारी अपडेट्स लेनी है तो दे हैव टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, सो दैट यू नो जैसे ही कोई चीज अपडेट हो तो नोटिफिकेशन आ जाए फ्लावर की तरह। बढ़िया है। तो इसमें हम लोग आपका लिंक भी बायो में डालेंगे। एंड जो मैं एक चीज बोलता हूँ जो स्पेशल है अमित भाई के बारे में, इज दैट ही हैज अ वेरी ट्रांसपेरेंट वर्किंग, जहाँ हर कॉल का रिकॉर्डिंग होता है, ऑडिट हो सकता है, कभी जी कोई चीज डिलीट नहीं हो सकती। तो और सब जी यूट्यूब वीडियोस हैं ही, सो ऐसा नहीं है कि दैट कुछ बोल के कहीं भाग सके। तो ही हैज टू लिव विद दिस कॉल। टीवी पे कई लोग जी आते हैं, एनालिस्ट लोग बोलते हैं नहीं मैं ये बोला था वो बोला था, फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो इनके मॉडल में ये बड़ा यूनिक चीज है। जी अभी वील टेक 2 और 3 क्वेश्चंस। अगर ऑडियंस के पास कोई क्वेश्चंस है तो दे मे जस्ट पुट इन द मैसेज बॉक्स। आई सॉ 1 और 2 क्वेश्चंस। एक था कि विल द मार्केट टच 17,000।
एक क्वेश्चन ऐसा आया था अमित भाई, विल द मार्केट टच 17,000? बाकी भी क्वेश्चंस कुछ हैं किसी को तो प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। सर 21st of April 2020 को अनाउंस कर दिया था व्हेन द मार्केट वाज ट्रेडिंग अराउंड 10,800, 17,236 के निफ्टी के टारगेट दिए हुए हैं। नाउ इट इज ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली 14,500, 10,000 11,000 से 14,500 आ चुका है, 15,800 का हाई पोस्ट कर चुका है वेरी सून। सी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है 17,000 तो टच करेगा ही करेगा, 22,000 भी टच करेगा मार्केट, क्योंकि हमारा इंडिया का मार्केट अभी तक उस पेज में नहीं आ पाया जो बुल रन का पेज होता है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा आपके इस लाइव सेशन से कि अगर जिस किसी ने वेल्थ क्रिएट नहीं की है तो आज भी वो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो, इन्वेस्ट करें। आई मीन इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट रादर देन कीपिंग योर मनी फॉर द इंटरेस्ट इन द बैंक। अगले 10 सालों में लोग अपना क्लास चेंज कर सकते हैं, लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं बीइंग विद द स्टॉक मार्केट। आपके मुंह में घी शक्कर। दिस दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू रेकमेंड एनी बुक ऑन चार्ट रीडिंग या ऑन टेक्निकल एनालिसिस व्हिच यू फाउंड हेल्पफुल? सर मैं जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा उसको ये जरूर बताना चाहूंगा कि सी आप जब स्क्रीन पर बैठते हैं, जब आप चीजों को एनालाइज करना चालू करते हैं, हर किसी की एक अपनी थ्योरी होती है, हर किसी की एक अपनी थ्योरी होती है, और उस थ्योरी को जस्ट हमको धीरे 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 और रिफाइन करना होता है। तो उसके लिए जो ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, ऑब्वियसली जो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मार्केट में पैशनेट हैं। अगर पैशनेट होंगे तभी वो लर्निंग चाहेंगे, और अगर वो लर्निंग चाहते हैं तो वो खुद अपने चार्ट पैटर्न्स बनाए। मैंने अपने चार्ट्स बहुत बार पब्लिक टेलीग्राम चैनल में भी पब्लिश किए हैं, यूट्यूब में भी बोला है कि मैं किस तरह से कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, वो अपने सेट ऑफ यू नो इंडिकेटर्स लगाएं और उसको धीरे धीरे डेवलप करना चालू करें, और उसके साथ साइकोलॉजी को अटैच करें मार्केट टेक्निकल्स में। फंडामेंटल्स ऑलवेज सपोर्ट्स यू फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो कोई आपको सिखा नहीं सकता है मार्केट में चार्ट एनालिसिस, इवन दो आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय गाय हु वाज यू नो आई थिंक वंस अपॉन अ टाइम ही वाज अ किंग इन द मार्केट। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि भाई अमित यू हैव टू डेवलप योर ओन सिस्टम, आई कैन ओनली टेल यू द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, और वो मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ, साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ लोगों को, सीख रहे हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सर्टिफाइड? Yes, yes, obviously. I am a SEBI registered research analyst. There are only 730 people who are SEBI registered. और जिस तरह से मैं अभी आपके साथ लाइव सेशन कर रहा हूँ वो 731 लोग ही कर सकते हैं बिकॉज दे हैव गॉट रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द SEBI. यू कैन वेरीफाई माई नेम इन द SEBI's वेबसाइट। बाकी बहुत सारे लोग हैं, आजकल लाखों चैनल चल रहे हैं यूट्यूब में, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, but they are not SEBI registered, so actually they are running an illegal channel. Okay, great. I think that covers most of the questions. So thank you so much for spending your time and spreading your knowledge, and by doing your work you're spreading wealth also, so thank you for that. Thank you so much, thank you so much Vaibhav ji. Thank you to all the viewers also.